एक पुराना शेर था कि एक कदम रखा था राह शौक में और मंजिल तमाम उम्र हमें तलाशती रही। इनकी मंजिल का सफर चाहे विवादों से भरा रहा, लेकिन ये मंजिल तक पहुंची जरूर। हमारे साथ में मोनिका बेदी। मोनिका, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़ एंड चंडीगढ़। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले तो जानना चाहूँगा, जब सफ़र को विवादों से भरा हुआ कहा जाता है तो उन विवादों की कभी कभी याद जो है वो कहीं ना कहीं जहन में ताज़ा होती? To be very honest, not really, because I believe in moving ahead and I believe I have done that. So, मुझे सबके लिए यही एडवाइस है कि यू नो, डोंट लुक एट योर पास्ट, डोंट लुक एट योर वट एवर स्ट्रगल यू बीन गोइंग थ्रू, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसिस एंड जस्ट मूव ऑन। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल एंड इट्स यू नो वर्थ इट, इट्स अ फाइट एंड फाइट इट आउट। टेलीविज़न में आप नज़र आई, हिंदी सिनेमा में आपने कदम रखा, पंजाबी फिल्मों में और बहुत सी भाषाओं में आपने फिल्में की, इन सब भाषाओं को मैनेज करना कितना ज़्यादा आसान रहता है? क्योंकि जब कहते हैं कि लैंग्वेज पर कमांड ना हो, एक्सप्रेशन में थोड़ी दिक्कत आती। वेल, यही आपके लिए एक चैलेंज होता है कि जो आपकी लैंग्वेज नहीं है उसमें भी आप काम कर रहे हैं और उसमें आप किस तरह की डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं और किस तरह के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। मेरे साथ कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, मैंने शुरुआत में ही काफ़ी तेलुगु तमिल फिल्म्स किए थी और मेरा ये मानना है कि जिसने तमिल फिल्म्स कर लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है, एक तो बहुत फास्ट बोलते हैं एंड काफ़ी ट्विस्टेड काइंड ऑफ लैंग्वेज होती है वो। सो वहाँ से जो मुझे एक ट्रेनिंग मिली, मुझे फिर उसके बाद सभी लैंग्वेजेस बहुत आसान लगने लगी, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस फिर हमारी हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन तमिल ऐसी लैंग्वेज है जो इसका हिंदी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, बहुत फास्ट है। तो आई थिंक वो जो मैंने फिल्में की हैं उसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली कि बाकी लैंग्वेजेस में काम करना मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया। बाकी लैंग्वेजेस की गलत तो की थी, जब माँ बोली पंजाबी बच्चे काम करने का मौका मिला, फिल्म थोड़ी सिर पर है जिसका गीत भी बड़ा मकबूल होया सी, वो मौका किस तरह मिला था? वेल, पंजाबी बोलना तो मेरे वास्ते एक चुटकी वाली गल है, क्योंकि बचपन तो ही पंजाबी बोलते आए हैं, घर में पंजाबी बोलते थे दो। मैं, मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो नॉर्वे से है, तो बाहर नॉर्वेजन बोलते थे लेकिन घर में ठेठ पंजाबी बोलते सी असी। तो पंजाबी फिल्म करना मेरे लिए एक बहुत ही फन एक्सपीरियंस सी, बहुत ही मैं उन्होंने एक तरह का हॉलीडे कहना चाहवागी, क्योंकि जिस तरह का ट्रीटमेंट मैं मिलिया, यू नो, द एंटायर यूनिट ऑफ सिर्फ रे जो मेरी पंजाबी फिल्म थी, दे ट्रीटेड मी लाइक अ प्रिंसेस एंड फॉर मी इट वाज लाइक अ पेड हॉलीडे एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिल्में करना चाहूँगी और पंजाबी फिल्में करना चाहूँगी। बहुत प्राउड फील होता है जब ये सुनने को मिलता है कि हमारी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर चुकी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं बॉलीवुड में मूव अराउंड करती हूँ, बॉम्बे में रहती हूँ, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है हमारी पंजाबी फिल्मों को लेकर, तो बहुत प्राउड फील होता है। तो अभी सरस्वती चंद्र, छोटे पर्दे का एक्सपीरियंस जिसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो एक्सपीरियंस और संजय लीला बंसाली के साथ में काम करने का अवसर आपको मिला, कैसा रहा? वेल, आई थिंक वर्किंग विद संजय लीला बंसाली जी इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर एनी आर्टिस्ट, क्योंकि जिस तरह की प्रेजेंटेशन उनकी होती है, जिस तरह के एफर्ट्स वो अपनी फिल्मों में या अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डालते हैं, इट्स रिमार्केबल एंड आई वुड कॉल हिम अ लेजेंड। एंड मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है एंड बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। दो एक टीवी सीरियल है, लेकिन जिस तरह की एक पॉपुलैरिटी या लोगों का प्यार सरस्वती चंद्र के थ्रू मुझे मिल रहा है, द क्रेडिट गोज टू संजय लीला बंसाली जी एंड ऑल्सो टू स्टार प्लस ऑब्वियसली। अभी जो कंट्रोवर्सी ये सारी चल रही है जिसके अंदर बॉलीवुड कनेक्शन क्रिकेट एंड क्रिकेट कनेक्शन विद बॉलीवुड एंड फिक्सिंग एंड ऑल दैट, बिंदु आपके दोस्त भी रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो सारा मामला है इसमें बॉलीवुड की इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है, बींग अ बॉलीवुड रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो? Well, what can I comment on that? And I really wouldn't like to comment. All I can say, it's a very sad thing. And बिंदु के साथ मैंने काम तो नहीं किया है, दो तीन बार ज़रूर मुलाकात हुई है फिल्मी बॉलीवुड पार्टीज़ में या यू नो अवार्ड फंक्शंस में, एंड जितना मैंने उनको देखा है, मैंने उनको बहुत ही एक फ्रेंडली एंड डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ इंसान मैंने पाया उनमें से, बहुत हेल्पफुल काइंड ऑफ नेचर मुझे दिखी उनमें। एंड जो भी हुआ है, इट्स बहुत अफसोस की बात है। और दारा जी के बेटे हैं, दारा जी के लिए आई थिंक वी ऑल हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट मैन, एंड
हम पंजाबी बहुत प्राउड फील करते हैं दारा जी के ऊपर, एंड इट्स रियली वेरी सैड कि दिस हैज हैपेंड। और जाते जाते जानना चाहूँगा आपके कुछ प्रोजेक्ट्स पंजाबी फिल्म्स में या बॉलीवुड में कुछ आ रहे हो तो। मैं डेफिनेटली और पंजाबी फिल्में करना चाहूँगी क्योंकि मेरी भाषा है और अपनी मिट्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ तो, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं और फिल्में करना चाहूँगी। बॉलीवुड में आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट। एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स द क्वालिटी विच मैटर्स इंस्टेड ऑफ द क्वांटिटी। जो जिस तरह सरस्वती चंद्र में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार, चैलेंजिंग किरदार प्ले करने को मिला है, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट इन बॉलीवुड ऑल्सो। चलिए, सिनेमा चाहे बॉलीवुड हो या बॉलीवुड, आपकी मकबूलियत का दायरा बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। सो मच, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ में मोनिका बेदी, जो पंजाबी फिल्मों में काम तो करना चाहती हैं लेकिन अभी इंतज़ार में एक अच्छी स्क्रिप्ट के। कैमरा पर्सन गुरिंदर सिंह के साथ निखिल वर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।